हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है दिन 31 का और आज मेरे पापा का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे पापा। और आप लोग भी मेरे पापा के लिए उनको ब्लेसिंग करिएगा कि उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, वो खुश रहें। और मेरी भी भगवान से यही दुआ है। आज हम जा रहे हैं रासल खेमा, वहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्राई करने की कोशिश की जा रही है, जो कि ऑब्वियसली अचीव होगा ही फायर वर्क के लिए। तो वो हम आपको दिखाएंगे और उसके ये सारी पार्किंग है और यहाँ से हम जाने वाले फायरवर्क वाली साइट पे। तो चलिए चलते हैं और आज देखेंगे यहाँ पे का फायरवर्क। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है और 4 किलोमीटर से थोड़े ज़्यादा स्ट्रेच पे होने वाले हैं ये फायरवर्क्स। ये जो साइड में आप लोग रेड और वाइट देख रहे हैं ना, जो स्टॉपर से लगे हैं, ये पूरा पार्किंग एरिया है। दूर दूर तक सारी पार्किंग थी और हमने सेकेंड लास्ट पार्किंग, क्योंकि हमको अलॉटी वो एरिया हुआ था, तो वहाँ पार्क की। थैंक गॉड वहाँ से पार्किंग से गाड़ी निकालना और फिर मेन रोड तक आना वॉज टू ईजी, तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे वहाँ पर। आज यहाँ पे कॉन्सर्ट भी होने वाला है और फूड ट्रक्स वगैरह भी लगे हुए यहाँ पे बहुत। रात होएगी तो और पता चलेगा क्या स्पेशल है। हम तो मेनली फायरवर्क के लिए आए। अगर वेज फूड मिल जाए तो पार्क है, नथिंग एल्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से पार्किंग दिखा रही हूँ। देखिए जितने दूर तक नज़र आ रही है सारी पार्किंग एरिया ही है। बस हमारे साथ एक इशू ये था कि जहाँ से हमने पार्किंग लगाई थी वहाँ से चलकर हम लोगों को बहुत दूर तक आना पड़ा मेन वेन्यू पे जाने के लिए। जो मैंने अभी दिखाया गेट, वहाँ से एंट्रेंस थी, तो बस अब उसी की तरफ चल रहे हैं। शुरू शुरू में हम लोगों को लगा कि बहुत ज़्यादा रश नहीं है और लोग अपने साथ बहुत सारा खाना काफ़ी कुछ लेकर जा रहे थे, तो मेरे को भी लगने लगा कि अरे हम तो अपने साथ खाने पे कुछ भी नहीं लेके आए। और विक्की मेरे आगे आगे चल रहे हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो अपनी मैम को बोलती थी, मैम पता नहीं क्यों जेंट्स लोग इतना जल्दी जल्दी चल लेते हैं। सेम यहाँ पे भी होता है, विक्की हमेशा मुझसे आगे ही चलते होते हैं। तो मैम बोलते थे कि लड़कों की हाइट ज़्यादा होती तो वो बड़े स्टेप लेते हैं, इसलिए जल्दी चलते हैं। यहाँ पे हमेशा फैमिलीज के लिए एक अलग एंट्रेंस रहती, इवन एयरपोर्ट पे और ग्लोबल विलेज में भी और यहाँ पे भी। बस फिर हम अंदर आ गए थे और यहाँ पे ना ये लगा हुआ था सेल्फी पॉइंट या फोटो पॉइंट की न्यू ईयर 2024, तो सब लोग वहाँ फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। और ये देखिए बहुत सारे वॉशरूम्स इन्होंने बना के रखे और किड्स प्ले एरिया भी है यहाँ, तो यहाँ पे मैंने भी एक फ़ोटो क्लिक की। विकी ये वाले ले लेते हैं। हाँ दो ही है। हमको मिल गई है बहुत अच्छी जगह, ये बीन बैग। ये देख के एकदम उसकी याद आ रही है ना, एक्सपो 2020 में हम लोग जाते थे ना, तो ये ऐसे बीन बैग्स बहुत थे वहाँ पे, तो उसमें बहुत देर बैठे रहते थे हम लोग। ये इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे इवेंट हो रहा है, कई लोगों ने टेंट भी लगाए हुए। मैं आपको दिखाती हूँ, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा टेंट लगा हुआ, और इस साइड बैकग्राउंड में किड्स प्ले एरिया लगाया हुआ है उन्होंने। और मैं आगे जा रही हूँ क्योंकि बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, अभी लोग कम है ना, लेकिन इवेंट तो स्टार्ट करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टेज के सामने आ जाओ तो फिर इवेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं आगे। दारू लवर्स, जैक डेनियल का अलग से एक स्टॉल है। हम लोग को बीन बैग से भी ज़्यादा बेहतर ये जगह लगी बैठने के लिए, और ये स्टेज से भी काफ़ी पास थी, तो यहाँ पे बैठना ज़्यादा अच्छा था और मेन इवेंट भी यहाँ से ज़्यादा क्लोजली दिखने वाला था, तो अच्छी जगह लगी। और फिर जो भी फूड ट्रक्स वगैरह थे वो भी यहाँ से ज़्यादा पास थे, और सबसे मेन बात है ज़मीन पर कितनी देर बैठ सकता है ना इंसान, तो टेबल चेयर होने से ज़्यादा कंफर्टेबल हम लोगों को लगा, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी, बहुत वॉलेंटियर्स सब थे और साफ़ सफाई भी बहुत थी। और ये जो टेबल जो भी है ना पिकनिक टेबल, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू थे। और यहाँ पे कुछ ये फ्लाई कर रहे थे एयरप्लेन्स छोटे वाले, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड किया। और मौसम इतना अच्छा था ना, ठंड बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब दिसंबर के हिसाब से तो कोई भी ठंड नहीं थी। और फिर उसके बाद विक्की बोले चलो मैं खाने के लिए कुछ चिप्स वगैरह लेकर आता हूँ, तो वो चले गए थे। हम लोग तो आज पहले सोच रहे थे कि आए या नहीं, क्योंकि ना ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, बट फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है,
देखकर ही लग रहा है, और बारिश ना हो तो और भी बेहतर। हम लोग वेन्यू पे करीब 4:30 बजे पहुंच गए थे, और जो फायर वर्क था वो स्टार्ट होने वाला था रात में 12 बजे। तो बस बैठे बैठे टाइम स्पेंड करना था, तो कुछ खा लिया, बातें कर ली इधर उधर की। बहुत मौसम अच्छा रहे ना तो इंसान वैसे ही बहुत अच्छे से इंजॉय करता है, तो हम लोग भी वही कर रहे थे। और फायर वर्क के पहले भी यहाँ पे सॉन्ग डांस ये सब चल रहा था। और सबसे अच्छी बात है, सबसे जब स्टार्ट ही हुआ ना प्रोग्राम, सबसे पहले पंजाबी म्यूजिक स्टार्ट हुआ। मतलब बोलते हैं ना, पार्टी की जान पंजाबी सॉन्ग, वही लग रहा था। जबकि हम एक अरब कंट्री में, तो हो सकता है कि सॉन्ग अरबिक शुरू होता। और अब रात हो गई है देखिए, और रात होते होते कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। और फिर वहाँ पे लेज़र राइड भी थी, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। सब लोग पार्टी मूड में थे, इंजॉय कर रहे थे। और इंजॉय के साथ साथ ये देखिए, ये वॉलेंटियर्स जो हैं, ये लोग सबको पॉलीथीन दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी रबिश आप ना फेंकें, सब पॉलीथीन है दे रहे हैं जो हम उसमें कचरा इकट्ठा करिए। कितना ध्यान रखते हैं ये लोग इन्वायरमेंट का और क्लीनलीनेस का। और ये देखिए लेज़र लाइट्स कितनी पावरफुल है ना, कितने दूर तक इनकी लाइट्स जाती है। और फिर वहाँ पे ना हमारे साथ टेबल शेयर किया था एक अंकल आंटी थे, वो लोग कश्मीर से थे और उनकी बेटी भी थी। हम लोग दो ही थे टेबल पे, तो हमने, वो आंटी ने पूछा तो हमने बोला ठीक है हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो वो लोग हमारे साथ बैठे थे, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही मज़ा आया उन लोगों के साथ न्यू ईयर। छोड़ोगे तो चालू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, एक एक पे। और हर जगह कुछ लोग रंग में भंग डालने के लिए होते ही हैं, तो ये उन्हीं लोगों को हटा रहे थे। बस फिर जैसे ही 12 बजा और आसमान लाल हो गया, और हम लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ गई कि अब फायरवर्क स्टार्ट होने वाला है। और आप लोग भी देखिए कि कितना बेहतरीन लेवल का ये फायरवर्क है। और मुझे, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के फायरवर्क का, इस फायरवर्क का ओरिजिनल साउंड रखूं, बट ड्यू टू म्यूज़िक मैं ओरिजिनल साउंड नहीं रख पा रही हूं। बट आप खुद देखिए अपनी आंखों से कि किस लेवल का ये फायरवर्क था। वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने के लिए ये फायरवर्क किया गया था, और हम लोगों को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं कई बार सोचती हूँ कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हम ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे रिश्तेदार भी जो हों, वो सब ये सारी चीज़ें इंजॉय कर सकें जो मैं करती हूँ। ये ड्रोन शो और फायरवर्क एक साथ था एज़ पर माय नॉलेज। इतना अच्छा लग रहा था ना ये देखकर, आप लोग भी मेरे साथ ये व्यू इंजॉय कीजिए। ये जो फायरवर्क था ये करीब 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में, लाइक आर्क शेप में हो रहा था ये फायरवर्क। तो पूरा व्यू एक साथ कैप्चर कर पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब आप देखने लगते हैं तो फिर शूट करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। पर यकीन मानिए ये बहुत खूबसूरत था, और इतना खूबसूरत था कि मुझे लगा जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये देखना लाजिम है, बनता है। और ये जो लाजिम वर्ड है ना, जो भी यूएई में रहता है उनकी ज़बान पर चढ़ गया होता है। तो अब जो भी यूएई से आता है उसके मुँह से लाजिम, क्या मुश्किल है, ये सारे शब्द सुनने को आपको आम मिलेंगे। अब आप भी मेरे साथ ये फायरवर्क एंजॉय कीजिए, और बीच बीच में मेरे कमेंट्री आती रहेगी। अब जो आगे आप देखेंगे ये है यूएई का स्पेशल एक जार टाइप का होता है, इसमें वो लोग कावा सर्व करते हैं। ये एकदम ट्रेडिशनल चीज़ है, और ये विद फायरवर्क बनाना आसमान में बहुत ही अजूबे नाक चीज़ लगी मुझे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, और कोई भी चीज़ जो बन रही थी ना, एक दो तीन, तीन नंबर में बनती थी, एक ही चीज़ तीन जगह दिखती थी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मुझे लगता है यूएई में होकर जिसने ये चीज़ आकर नहीं देखी, ये उनकी लाइक लाइफ से एक चीज़ छूट गई देखने के लिए, ये मुझे लगता है। यूएई की एक बात बहुत अच्छी लगती है, ये लोग अपना कल्चर कभी नहीं भूलते। अभी आपने स्काई पे एक बोट देखी होगी। पहले यूएई में मछली का काम और मोतियों निकालने का काम, ये इनका प्राइम सोर्स ऑफ इनकम था। तो
जो अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ता, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी एक अलग पहचान दुनिया में ज़रूर बनती है। तो ये वही बात है, और मैं बहुत एडमायर करती हूँ यूएई के लोगों को जो अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ते, कितने भी मॉडर्न हो पर अपना कल्चर नहीं छोड़ते। एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं ये साल शनि का है, और यहाँ पे भी स्काई पे ये लोगों ने शनि या सैटर्न प्लैनेट बनाया। तो ये महज एक इत्तफाक था या शनि के प्रभाव के साथ साल का आगाज था, आप बताइएगा। करीब करीब 8 मिनट का ये पूरा फायरवर्क था, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि इतनी अच्छी चीज़ें देखने का हमें मौका मिलता है। और मैंने पूरा 8 मिनट का तो फायरवर्क आप लोगों के लिए शूट नहीं किया था, क्योंकि उसे वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरी और विकी हम दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मासलामा।